हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्पे और न्यूटर। ये क्या होता है, कब कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। अब बरी थोड़ा बिजी है, इसको बिजी रखना पड़ता है ऐसे। तो स्पे और न्यूटर क्या होता है? स्पे होता है फीमेल डॉग्स के लिए और न्यूटर होता है मेल डॉग्स के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो वेट्स डॉक्टर्स होते हैं वो आपके डॉग का पपीहुड में या डॉगहुड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर देते हैं, और इसको यू नो सर्जिकल स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे आगे कभी लाइफ में। मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और आगे आप डिसाइड कर सकते हैं अपने पपी या डॉग के लिए कि इज़ इट गुड फॉर देम और इज़ इट नॉट गुड और इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि यू नो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन कि हम क्या प्लान कर रहे हैं बडी के लिए। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर वन रीज़न जो कि स्पे और न्यूटर कराना चाहिए वो होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इवन US में हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है डॉग्स की, और इवन इंडिया के अंदर भी काफ़ी यू नो इतने स्ट्रे डॉग्स हैं कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो यू नो ऐसे ही स्ट्रे रह जाते हैं। और एक्चुअली में ब्रीडिंग का काम सिर्फ प्रोफेशनल और लाइसेंस ब्रीडर्स का ही होना चाहिए। आप जैसे और हम जैसे लोगों को यू नो ब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट सर्टिफाइड, वी आर नॉट लाइसेंस्ड, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है ब्रीडिंग के बारे में। बड़ी का टॉय गिर गया। तो ये काम तो सिर्फ प्रोफेशनल्स पे ही छोड़ देना चाहिए। और अनलेस अगर आप यू नो ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ब्रीडिंग नहीं कराना चाहते, तो देर इज़ नो रीज़न कि आपको यू नो न्यूटर और स्पे नहीं कराना चाहिए। और इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि एक बार में एक फीमेल डॉग पूरे साल में अबाउट 2 से 3 बारी यू नो लिटर करती है। लिटर मतलब यू नो पपीज देती है, और एक बार में वो अबाउट 5-6 पपीज़ तो दे ही देती है। तो अबाउट यू नो 10 से 15 पपीज़ वो पूरे साल में दे सकती है। फिर उनके पपीज़ आगे चल के यू नो बहुत जल्दी वो भी यू नो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ना पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बहुत रैपिडली बढ़ती है। तो इससे अच्छा कि यू नो वो पपीज़ आगे चल के होमलेस हो, सड़क पे घूमें, जिनको ओनर्स ना मिलें, उससे अच्छा हमें ये पॉपुलेशन यहीं पे कंट्रोल करनी चाहिए, और स्पे और न्यूटर इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट। और अगर आप यू नो अगर आप ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो यू नो यू आर एक्चुअली मेकिंग अ वेरी बिग कमिटमेंट कि आप यू नो यू विल टेक केयर ऑफ योर पपी ऑफ योर डॉग कि वो यू नो पॉपुलेशन कंट्रोल कि वो ओवर पॉपुलेशन में हेल्प नहीं करेगा। और थर्ड रीज़न जो कि यू नो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप यू नो बाय रिमूविंग वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आप यू नो उनके जो वो जो ऑर्गन्स की जो बीमारियां होंगी, लाइक यू नो दे हैव सम टेस्टिकल कैंसर्स और यू नो जो इस टाइप की बीमारियां होती हैं, वो उनको आगे लाइफ में नहीं होंगी, तो विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम। और आई थिंक मैं आपको ये बताना भूल गया, स्पे होता है फीमेल डॉग्स के लिए और न्यूटर हम बोलते हैं मेल डॉग्स के लिए, और दोनों मोर और लेस सेम ही प्रोसेस है। स्पे में आप फीमेल डॉग्स के जो ओवरीज होती हैं वो रिमूव कर देते हैं अंदर से, पेट के अंदर से, और जो मेल डॉग्स में जो न्यूटर के प्रोसेस में आप उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वॉरिफ की अगर हम अपने पपी या डॉग का ख्याल रखें अपने घर के अंदर, और अगर हम यू नो पूरे फेंस्ड, अगर आपका घर इवन यू नो इनक्लोज है, फेंस्ड है, अगर आप अपने डॉग को हमेशा लीश पे रखेंगे, तो क्या फिर भी आपको ये कराने की ज़रूरत है? तो आंसर इज़ येस, क्योंकि क्या पता यू नो अगर आप वॉक पे लेके चले हो अपने डॉग को, आपके पास फीमेल डॉग है वो अभी हीट पर है, और कोई और यू नो मेल डॉग अगर आपको बीच में मिल गया, या फिर कई बार तो मेल डॉग्स यू नो वो हीट को स्मेल कर करके कई बार तो घर पे ही आ जाते हैं, और अगर आपका इनक्लोज एरिया भी है तो भी वो जंप मार के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो बिल्कुल कंट्रोल करना तो बिल्कुल यू नो पॉसिबल सा नहीं होता कई बारी। और इवन अगर आप यू नो इस ये टाइप की प्रॉब्लम्स अगर नहीं चाहते कि आपके डॉग को यू नो ऐसी प्रॉब्लम्स हो, लाइक जैसे कि यू नो उनको कई बारी अर्ज होता है मेटिंग का, और वो यू नो इसलिए वो कई बारी फीमेल डॉग्स को ढूंढते हैं मेटिंग करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ये सब प्रॉब्लम में ना फंसें, तो यू नो आई थिंक स्पे और न्यूटर इज़ अ बेस्ट थिंग। और इवन जो फीमेल डॉग्स होती हैं उनकी जो यू नो फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी।
और हमारे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम जिसके लिए हम सोच रहे हैं बॉडी को न्यूट्रल कराने का, वो है कि सोशलाइजिंग करने में आगे आगे चल के हमें बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर कभी हम इंडिया आते हैं या कभी हम यू नो वैसे ही कहीं और ट्रिप पे जाते हैं, कभी डॉग पार्क पे जाते हैं लेके, या कभी यू नो बॉडी को डॉग डे केयर में छोड़ना पड़ता है, डॉग्स के भी डे केयर होते हैं यहाँ पे, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका पपी स्पेड या न्यूटर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम वो सब नहीं कर पाएंगे, बारी नो बाइटिंग। तो इसलिए यू नो एक सोशलाइजिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम बड़ी के यू नो लिटर करवाएंगे आगे चल के, तो इसलिए हमें वी आर इंक्लाइंड कि हमें बड़ी को न्यूटर कराना चाहिए। और कई बार तो यू नो ऐसा भी देखा गया है कि जो स्पेड और न्यूटर डॉग होते हैं वो आगे चल के थोड़े से लेस अग्रेसिव हो जाते हैं, यू नो थोड़े से काम टाइप के हो जाते हैं। तो अगर आपका पपी या डॉग अभी थोड़ा सा अग्रेसिव है तो चांसेस हैं कि वो आगे चल के यू नो लेस अग्रेसिव सा हो जाएगा स्पे और न्यूटर के बाद। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस कब करवाना चाहिए। तो ये फीमेल डॉग्स के अंदर ये प्रोसीजर यूजली फर्स्ट हीट से पहले करवाना होता है, वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इजी नहीं होता, इसलिए मोस्ट वेट्स रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ्स के बाद, जब आपका पपी 6 मंथ का हो जाए उसके बाद फर्स्ट हीट से पहले फटाफट ये करवा लेना चाहिए। और मेल डॉग्स के अंदर भी वो 6 मंथ ही रिकमेंड करते हैं, बट अब 6 मंथ का हो चुका है तो अभी हम यू नो हम अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं बहुत जल्दी अपने वेट से, ताकि हम ये प्रोसीजर करवा दें बड़ी के ऊपर। और ये एक्चुअली ब्रीड पे भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोई और ब्रीड है, लैब्राडोर नहीं है कोई और है, तो अपने वेट से ज़रूर बात करें, क्योंकि क्या पता आपके ब्रीड के लिए, अगर आपका स्मॉल ब्रीड है तो हो सकता है आपके लिए ये 6 मंथ्स की लिमिट थोड़ी कम हो सकता है 4 मंथ्स हो। तो अपने वेट से बात करें इस बारे में कि कब कराना चाहिए आपको अपने डॉग को न्यूटर या स्प्रे। तो अगेन मैं आपको समरी में मैं बता देना चाहता हूँ दोबारा से हम क्या इस वीडियो में क्या डिस्कस किया। स्पे और न्यूटर होता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव करना सर्जिकली उनकी बॉडी में से। स्पे होता है फीमेल डॉग्स के लिए और न्यूटर होता है मेल डॉग्स के लिए। और ये कई ओनर्स ये इस प्रोसीजर के अगेंस्ट होते हैं, तो ये सबका अपना डिसीजन है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करवाएं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप नहीं करवाएं, बट हाँ डू मेक श्योर यार अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो यू आर एक्चुअली मेकिंग अ बिग कमिटमेंट कि आप उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में उनकी हेल्प करेंगे, और वी आर इंक्लाइंड कि ये प्रोसेस करवाना चाहिए। और जब हम कराएंगे आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे इस चैनल पर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिकॉज वी लव्स यू, बिकॉज बडी लव्स यू। बारी बारी आई एम सॉरी बडी, बट ये तेरे अच्छे के लिए, ओके गुड बॉय। ऑलराइट गाइस, बाय फ्रॉम फरी फ्रेंड फैमिली।